आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये कौन तपस्विनी स्वामिनी हमारे सामने बैठी है, ऐसे मत बोलो। और आपको जान के अच्छा होगा कि मैं अभी नीचे कह रहा था, हमारे मालवा में और शास्त्रों में है कि जो नर्मदा परिक्रमा करता है उसको देखने से भी पुण्य प्राप्त होता है, और हम अभी आधी परिक्रमा करके हम लोगों के बीच में आई। स्वामिनी विमलानंदा का परिचय एकेडमिक बहुत है, मैं आपके सामने जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आपके सुनने लायक आपको प्रेरणा देंगी। जैसे आप सोचते ना कि कोई बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो उसके मन में होता है मुझे क्या बनना है, तो मुझे ऋतिक रोशन बनना है, मुझे कैटरीना बनना है, मुझे ये बन रहा है। इन चिन्मय मिशन जब हम ब्रह्मचारी एंड ब्रह्मचारिणी होते हैं येलो ड्रेस में, तो मैं अगर अपनी किसी जूनियर से पूछूं ब्रह्मचारिणी से कि तुम क्या बनना चाहती हो, आज तक का उत्तर एक ही होता है, स्वामिनी विमलानंदा बनना चाहती हूं। अब आप तक नहीं पहुंच पाए, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी लगता था कि ये सब उनके पीछे क्यों बनना चाहती है, लेकिन मैं 25 साल से जब से मैं मिशन में हूं 1995-96 से, यस जो उनका निर्णय है वो ठीक निर्णय है, लेकिन मैं एक ही बात उनको भी कहता हूं, स्वामिनी विमलानंदा एक ही हो सकती दूसरी नहीं हो सकती, तुमको तुम वो नहीं बन सकती, हाँ उनके आसपास जाकर उनसे बहुत कुछ सीख सकती हो कि उनके कैसे बना जाए, कैसे डायनेमिक रहा जाए। अम्मा का दूसरा परिचय है कि अम्मा सीधे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी रही हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी के, और हम लोगों के पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयन जी उनके आचार्य भी रहे हैं, और उनकी बड़ी प्रिय शिष्या भी रही हैं स्वामी तेजोमयन जी की, जो देखकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कभी आप इस लुक से देखें गुरु जी को और स्वामिनी विमलानंदा जी को। नाउ द थर्ड, जो बहुत अच्छा पक्ष है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं भारत में, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों की कमी नहीं है, बट जिसको बोलते हैं टोटैलिटी में कोई कंप्लीट नहीं देखता, कोई बच्चों के लिए कर रहा है तो कोई सिर्फ प्रवचन कर रहा है, तो कोई ओल्ड एज होम बना रहा है। जब आप मिशन में आएंगे तो आपको बच्चों के लिए बाल विहार है, यंगस्टर्स के लिए युवा केंद्र है, फिर सेतु करी है, फिर आपके लिए क्लास है, फिर वानप्रस्थ क्लास है, फिर बिजनेस वालों के लिए क्लास है। गुरुदेव ने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ऐसा कोर्स, ऐसे ओरेटर तैयार किए जो उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं, मैंने देखा है ड्रेस। जो बहुत पुराने डिवोटी होंगे, अमा ने बाल विहार कैंप्स भी बहुत सारे अहमदाबाद में लिए, यंगस्टर्स के बीच में भी फेमस हैं, और आपको अगर YouTube पर आप जाएंगे तो लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी अम्मा की प्रोफेशनल वर्कशॉप भी YouTube पर अवेलेबल है। मीन शी इज़ अ प्रोफेशनल ऑरेटर, और बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, ये मैं इंडिया में रखे नहीं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मुझे कल कोई कह रहा था मैंने दुबई में भी सुना उनको, इसका मतलब हम सिर्फ यहीं बैठे हैं चार लोगों के बीच में और हमारा नाम है वो, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। बाहर से भी बहुत सारे लोग अम्मा को जानते हैं, और जो हमारे मिशन का सबसे बड़ा चार्म रहा, जिनमें इंटरनेशनल स्कूल जो भारत का तीसरा चौथा पांचवा स्कूल था हमारा, अम्मा उसकी डायरेक्टर रहीं, चेयरमैन रहीं, बहुत बड़ी बड़ी पदों पे रहीं। और आखिरी बात ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा अपील करती है, मैं अम्मा से कह रही हूँ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दिस इज़ अ ट्रू संन्यास। तो चीज़ें जब मिलती हैं उसके बाद छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, छोड़ने का मन नहीं करता है, तो ऊपर से तो संन्यास है, अंदर से वो चीज़ आती नहीं है, छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए गीता कहती है आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, आपके लिए जो साधना है वो क्या है, कर्म है, कुछ करो। लेकिन जब उस स्टेट ऑफ माइंड पे व्यक्ति पहुंचता है तो योगारूढ़स्य तस्यैव तस्यैव, उसके लिए, किसके लिए, दैट योगारूढ़,
क्षमा कारणम उच्यते, उसके लिए बेटर है कि सब चीज़ें क्या कर दी जाएँ, छोड़ दी जाएँ, और अगर उससे जबरदस्ती ली जाएंगी तो उसको कष्ट होगा। तो अंदर परिपक्वता यही है कि चीज़ें अपने आप से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं। और इस समय अम्मा ने जितनी मैंने शुरुआत में बात की फ़ोन पर, सभी पदों से क्या दे चुकी, निवृत्त हो चुकी है। दिस इज़ द ट्रू सिम्टम ऑफ द सन्यासीज ऑल्सो, सब कुछ कर रही हैं लेकिन पद पर उनको रहने का कोई शौक नहीं। ये एक परिचय। और उसके बाद जब बुक सेक्शन में जाएंगे आप चिन्मय मिशन के, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं टीका क्यों लगाएं, चंदन क्यों लगाएं, परिक्रमा क्यों करें। उस समय आज लोग लिख रहे हैं इस बात पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आ रहा है कि चंदन क्यों लगाते हैं, और अब लोग बड़े उसके, ये 10 साल 15 साल पहले ही अम्मा ने किताब लिखी व्हाई डू वी डू, जिसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। पॉपुलर बुक है, छोटी छोटी एक एक पन्ने में है। तो अम्मा ने वो किताबें लिखी और बहुत सारी किताबें लिखी, और अम्मा के कारण हम लोग कई बार डांट भी खा जाते थे गुरुजी से कि वो इतना करती तो तुम लोग क्यों नहीं करते, तुम ऐसे ही साधु बस घूम रहे भिक्षा खा के। तो मन में आता था ये करती इसके कारण हमको भी करना पड़ता है। बहुत गाली दी होगी। तो गुरुजी अकेले मुझे भाई कई बार बोले उनको फॉलो करो, देखो क्या क्या काम करे, और तुम सिर्फ पढ़ा रहे हो, कुछ भी लिख नहीं रहे हो, कोई मिशन के लिए ऐसा कुछ करके जाओ जो लोगों के लिए याद रहे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो रहा अपने स्वामी सुबोधानंद जी से रहा। वो मस्त मौला थे, जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो ना करे, हम शांत और चुपचाप रहेंगे। लेकिन यस, मिशन के तौर पर बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती, तब इतने सारे लोग जुड़ पाते हैं। नाउ हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं था, अम्मा को वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे भी आज कल जाना था, आज ही था, फिर उसको कल किया हमने झांसी जाने के लिए, हमारी सेक्रेटरी और मिशन भी कई लोगों को जाना। अम्मा ने ऐसी प्रेरणा दी कि यस इस प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। जब उनका वो प्यार और वो अपनापन दिखता है तो अब उसके आगे तो सब जीवन ही व्यक्ति छोड़ देता है जहाँ प्यार मिलता है। तो हम लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि अम्मा के साथ हम लोग 9:45 तक 9:45 तक कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ अम्मा हमें बात बताएंगी, एंड इवनिंग में 6:00 मेरे ख्याल भारत सरकार का एक ये जन अभियान परिषद भी उसमें जुड़ा है, उसमें बहुत अच्छे यंगस्टर्स जुड़े हैं, उनके पास 120 यंगस्टर्स हैं सरकार का है, वो भी हम लोग शाम को 6 बजे अम्मा का टॉक रहेगा यहाँ पर। आज यंगस्टर्स भी रहेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, अगर आप आ सकते हैं तो उसमें भी आइए। तो आज बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं पूज्य स्वामिनी जी से ये निवेदन करूँगा, हम लोग भी इस मार्ग पर कैसे चलें, प्रसन्न रहें एंड ब्लेस्ड फील करें, उसका तरीका क्या हो सकता है कि वो चीज़ कैसे प्राप्त हो जिसके लिए जीवन हमें मिला है, कुछ रास्ता दिखाने की हम लोगों के ऊपर कृपा करें। हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम नमस्कार। जब भी कोई अपने लिए कुछ अच्छा बोले तो जानना चाहिए कि उनकी दृष्टि अच्छी है, इसलिए वो बोलते हैं अच्छा। ऐसा नहीं मैं हमें कुछ है,
लेकिन उनकी दृष्टि जब अच्छी होती है तो अच्छा दिखते हैं, है ना। तो प्रभुदानंद जी, आपने कुछ देखा मेरे में, वो आपकी भलाई है। मैं एक्चुअली आलसी हो गई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। थोड़ा कुछ कहूँगी और उसके बाद में आपको बुलवाऊँगी, यानी आपको प्रश्न करना होगा मुझे, अगर है आपके मन में कुछ। नहीं है तो हम दोनों शांत बैठेंगे और क्या। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ देखी, समझ में आई, मेरे में मन में आई कि वेदांत समझना बहुत सरल है, बहुत सरल है। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं, जो बुद्धिशाली होते हैं उनको समझ में आती, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। हमने 10-15 साल के बच्चों को भी समझा दिया है वेदांत, तो कठिन नहीं है, समझना कठिन नहीं है, लेकिन स्वीकार करना बहुत कठिन है, बहुत यानी बहुत। समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। कितनी बार आपने किया होगा आत्मा अनात्मा विवेक, किया है कि नहीं? आप तो बहुश्रुत है ना, दृष्टा दृश्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, जड़ चेतन विवेक, आपने किया होगा कितनी बार? कहाँ कठिन है? दृष्टा और दृश्य अलग है, सुना है कि नहीं? कितनी सरल बात है, आप समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से समझते हैं, ऐसा भी नहीं कि अस्पष्ट है, ये बात बहुत स्पष्ट है, किसी की भी बुद्धि में आ सकता है ये, कि जो देखने वाला है वो देखी हुई चीज़ से क्या है, अलग है। क्या बड़ी बात है समझनी, बच्चा भी समझता है कि नहीं, कि मैं नहीं हूँ, ये माइक है, मैं माइक को देखने वाली हूँ, माइक दृश्य है, मैं दृष्टा, कहाँ उसमें कहाँ बुद्धि लगती है बताओ जी, है ना। दृष्टा दृश्य से अलग है, वो समझना क्या है, बहुत सरल है। सो वेदांत कठिन है ये बिल्कुल नहीं मानती मैं, वेदांत समझना क्या है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन वेदांत स्वीकार करना बहुत कठिन। कितना भी हम कहेंगे, इस समय हमें यह अनुभव होता है कि मैं, जब मैं बोलती हूँ, मैं आत्मा की बात करती हूँ, मैं अनंत हूँ, किसी को ऐसे कुछ थोड़ा सा भी ऐसे लगता है क्या, है कि नहीं? इतनी अच्छी तरह से हम जीव भाव में बैठकर सुनते हैं, है कि नहीं? और तब भी हमको कहा जाता है क्या कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म है, और जैसे ही बोले आप सच्चिदानंद है, आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि आपने कितनी बार सुना है ना, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, कितनी बार सुना है? अगर आप एक गिने ना तो पता नहीं अब जो बार होगा, कितनी बार आपने सुना है। तो आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे जो आप अभी भी मन से कर रहे हैं? हाँ, ऐसे अपनी ये हिलाएंगे कि नहीं? सर हिला रहे, कोई लोग हैं, देखो सब लोग हिला रहे हैं। आई ऑलवेज से इट इज़ वेरी ईजी टू नॉड योर हेड, एंड इट इज़ नॉट कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं मानती हूँ कि आप नहीं समझ रहे हैं, हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है बिल्कुल समझ रहा है। मैं जो बोल रही हूँ, स्वामी जी बोल रहे हैं, इतने सब आपने सुना हुआ है, समझ रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। बैठे बैठे भी जब आप कहते हैं कि यस मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जो यस समझ का है, स्वीकृति का नहीं है। सोचो, मैं नहीं कहती हूं कि जब मैं कहती हूं आपको मानना है, कभी ऐसे नहीं मानती मैं। और उसमें फर्क आपके मन में होगा कि नहीं, हमने तो बिल्कुल, तो
इसलिए ये फ़र्क होता है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये फ़र्क होता है, एक होता है श्रवण का। टेक्निकल भाषा आपने सुनी भी होगी, स्वामी जी से भी सुनी होगी, कि श्रवण का अर्थ है तात्पर्य निर्णय। क्या है श्रवण का अर्थ? ये होता है कि तात्पर्य निर्णय। तो वेदांत आपको कहता है कि आप ब्रह्म है कि नहीं, तो वो आपका निश्चय हो गया कि नहीं है। आपको नींद में से भी कोई उठाएगा ना और पूछ कहेगा कि आप कौन है, तुरंत आप क्या जवाब देंगे? एक सेकंड के लिए कहेंगे मैं ये हूँ, पर नहीं नहीं वेदांत की दृष्टि से इमीडिएटली क्या कहेंगे? मैं ब्रह्म हूँ। बोलेंगे कि नहीं? वेदांत की दृष्टि से आप क्या है बताओ, तो क्या बोलेंगे? अरे सच्चिदानंद ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म नहीं, अखंड अनंत अनादि एंड ब्रह्म हूँ। आपका निश्चय है, हो गया है, उसमें दो राय नहीं है। तो यानी क्या, उसका अर्थ क्या हुआ कि आपका श्रवण बहुत सुंदर हो गया है। आप जैसे जैसे सुनते हैं आपकी समझ बढ़ती है, इसलिए बारंबार सुनने की आवश्यकता होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो बहुत आवश्यक भी होती है बात, बारंबार सुनने से समझ सुदृढ़ होते जाती है, समझ स्पष्ट हो जाती है, समझ क्या कहते हैं कि एकदम परिपक्व हो जाती है, लेट अस से अगर ये शब्द बोले तो, लेकिन ठीक नहीं है, ठीक है चल। तो ये होता है, और मैं मानती हूँ क्योंकि आपने सब उपनिषद सुने हैं, काफ़ी सब सुना हुआ है स्वामी जी से, और वो अच्छी तरह से समझाते भी हैं, उनका बहुत वक्तव्य अच्छा है, उनका समझाने की स्टाइल अच्छी है वगैरह, तो आप समझ गए, उसमें दो राय नहीं है, ठीक है, और दृढ़ भी हो गया है, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है, स्वीकार हुआ है कि नहीं, और वो जो फर्क है समझना और स्वीकारना, वो अंतर है मनन का। ये हमने बहुत समय के बाद में ये समझा, क्या किसका है फर्क? मनन का है। देखो वेदांत का सिद्धांत है श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान होता है, उसमें दो राय नहीं है, वो बिल्कुल सही भी है, उसमें वो दो राय नहीं है कि श्रवण मात्र से क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो उत्तम अधिकारी के लिए, नहीं वो आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्य ये सब नहीं बोलते, सिर्फ श्रोतव्य बोल के छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो तो सिद्धांत है, वो मंतव्य निधि सहसितव्य बोलते हैं, और मंतव्य ऐसा भी नहीं कि करना है तो करना ही चाहिए, ऐसे है, तव्य प्रत्यय है, यू हैव टू, समझे ना। तो अर्थ क्या हुआ कि हम क्या हो गए हैं कि अच्छा भी लगता है सुनना, क्योंकि इतनी बढ़िया बात बता दी जाती है, अरे आप अनंत है, कौन बोलता है आप हमें कि हम अनंत है? कोई बोलता है क्या? घर में कोई बोलता है कि आप अनंत है? कोई नहीं बोलता है ना, वो तो आप जितने हैं उससे भी कम बोलते हैं आपके लिए, है कि नहीं? वो अनंत की बात ही दूर की है, तो कितनी अच्छी बात है कि सुनने भी अच्छा लगता है कि ऐसे। और क्या होता है कि फिर हम हर बार उसको सुनते, फिर ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या करे, जो हमारे कान बहरे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कान, क्या हो जाते हैं बहरे। अगर कोई बच्चा है उसको कहेगी जो यूजलेस है यूजलेस है, 5 बार तो उसको खराब लगेगा, उसके बाद में उसके कान बहरे हो जाते हैं। अरे आप हस्बैंड वाइफ को भी बात करो ना, थोड़ा एक बार करो, अरे लाना है 2 बार सुनते हैं, 3री बार कोई सुनता है क्या? क्या हो जाता है? कान बहरे हो जाते हैं। योर अंडरस्टैंडिंग, कान बहरे हो ही जाता। अरे इस मनुष्य का स्वभाव है, कितनी बार सुनेंगे कि आप ब्रह्म हैं? देखिए मैं कह रही हूँ आपको ब्रह्म है, आपके किसी के मुंह पे आहा नहीं आता है। मैं कितनी बड़ी बात कह रही हूँ आपको, आप बताओ कि आप ब्रह्म है, आप सच्चिदानंद है, आप अनंत है, आपका न जन्म हुआ है, आप, मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और बोलो, क्यों?
स्वीकार नहीं होता है। अरे अनिश्चय नहीं, अगर स्वीकार होता ना तो हजारवीं बाल भी कहेंगे ना कि आप ब्रह्म है, क्या हो जाएगा अंदर? नहीं, चौक नहीं, इट्स न्यू जॉय। देखो ये मैं ब्रह्म हूँ ये विचार है ना, कभी पुराना नहीं होता है। देखिए दूसरे सब विचार पुराने हो जाते हैं। अगर आपको कहेंगे आप बहुत सुंदर है, थैंक यू, बहुत सुंदर है, थैंक यू, बहुत सुंदर है, थैंक यू, पांचवी बार क्या कहेंगे? बस करो, है कि नहीं, बोलो ना। आपको कोई भी कहे अरे इतने इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट है, फिर क्या? हमारी जो परिचय कराते हैं ना तो एक स्टैंडर्ड परिचय है, वो लोग कहते हैं, वो पढ़ते हैं, वो बोलते हैं ना, मन से मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, हर बार वही बोलते हैं, तो हमको अंदर से कुछ लगता ही नहीं अंदर, फिर कुछ भी बोले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ये करती है, वो करती है, वो हम बहरे होते हैं। मैं नेक्स्ट सेंटेंस वो भूल जाए तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इतनी बार सुना है रे, इतनी बार, अब क्या करें, समझ नहीं पा। तो आई एम नॉट लिसनिंग टू इट एनीथिंग, कुछ भी। फिर कभी कभी मजा तब आती है जब वो कुछ बोलते हैं जो मैं नहीं हूं। वो संस्कृत की स्कॉलर है, मैंने कहा कौन सी स्कॉलर है, कुछ नहीं आता है ये, एंड वो ये भाषा जानती है, ये भाषा, एंड मैं किसके परिचय दे, भगवान को पता किसका परिचय दे रहे हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, यू नो ऐसे। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा है कि भाई हर बार ये विचार, ये वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति एक ऐसे, वो कभी पुरानी नहीं हो सकती है। वो हजारवीं बार भी ये आए कि मैं ब्रह्म हूं तो एक आहा होता है अंदर, बाहर भले न बोले, समझे ना, क्योंकि वाई आई एम, ये विचार कि मैं हूं, मैं वो अनंत हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं देखती हूं, सुनती हूं, बोलती हूं, करती हूं, मैं नहीं हुई है। यू अंडरस्टैंड दैट मोमेंट इट हैपन्स, हर क्षण ये विचार पुराना कभी नहीं होता है, ये हमेशा एक प्रकार का एक अद्भुत विचार रहता है। लेकिन हो क्या गया है, हो क्या जाता है कि कान बहरे हो जाते हैं, समझ में आता है, स्वीकार नहीं होता है, क्रक्स ऑफ दैट इज दैट, एंड वाई मनन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। मनन हमको लगता है एक ढंग से देखे तो बहुत कठिन है, एक ढंग से देखे तो बहुत सरल है, क्या समझना तो सरल है, वो तो मैं बिल्कुल, अगर मैं तो कोई कोई कहे ना कि वेदांत सुनना समझना कठिन है तो आइधर वो सुनते नहीं है या जो सुनाने वाला है वो सुनाता नहीं है, सीधी बात, दूसरी कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता है, या वेदांत बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं समझे ना, इट इज सो सिंपल। लेकिन अब होता है मनन की बात। हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से कहा था, थ्रो अवे योर बुक्स एंड रिफ्लेक्ट, क्या कहा था? ऐसा नहीं कि बस आपकी पुस्तक फेंकने देना, हाँ मैं तो, ये तो उनकी भाषा है भाई, वो उनकी भाषा एक प्रकार की होती थी, आप प्लीज़ वो शास्त्र है, हाँ वो तो बहुत ही ये है। कहने का भाव क्या है, हम लोग जब सो कॉल्ड मनन करते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, हम वो पुस्तक लेते हैं और कहेंगे गुरु जी ने कहा ना वो सही है, अरे तो वो तो सही है, वो तो इसका निर्णय हो ही गया है, इसी को तात्पर्य निर्णय कहते हैं, समझे कि नहीं, बोलो। तात्पर्य निर्णय किसकी कहते हैं, कि शास्त्र ने कहा और गुरु ने कहा वो सही है, इसी को तो तात्पर्य निर्णय, और क्या होता है तात्पर्य निर्णय, यही तो तात्पर्य करना है कि जो बोला है और सुना है वो सही है। और हम क्या करते हैं हमारे इसमें, फिर कोई दूसरा विषय, नहीं 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 गुरुदेव ने ऐसे कहा है तो सही, अरे गुरुदेव ने कहा है वो सही है, वो तो सिर्फ वापस अभी क्या कर गया, किया हमने श्रवण ही किया, उसी का हमने ये किया दोहराया, ये पुस्तक में लिखा है सही है, वो तो हमको पता है कि सही है भाई अब करना क्या है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये गलत है क्या, और करते करते ये समझना है कि नहीं ये सही है, समझे क्या, क्या अच्छा। अगर आपको ये, अगर एक्सरसाइज अभी मैं करवाऊँ आपको,
कोई हाँ नहीं बोलता तो मैं तो, मेरी तो डिमांड एंड सप्लाई लॉ है, नो डिमांड नो सप्लाई, सीधी बात है। अगर आपको करना है तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, सबको करना है, एवरीवन, राइट, देन यू हैव टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, ठीक है ना? ओके, करेंगे आप? जरूर करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। आँख खुली रखना है तो खुली रखो, बंद करना है तो बंद करो, कोई फर्क नहीं। मैं कुछ जादू टोना नहीं करने वाला, मुझे आता ही नहीं है, मेरे में कोई प्रकार की, तो डरना नहीं कि मैं कुछ कराऊंगी, पता नहीं क्या कराएगी, कुछ नहीं, ठीक है ना? मेरे पास में कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं कराऊंगी। जैसे लोग डरते हैं, पता नहीं आँख बंद करेंगे क्या कर लेगी, पता नहीं कुछ, अच्छा कुछ नहीं। हम चिन्मय मिशन के जो है ना, उनके पास में कोई ऐसी सिद्धि विधि नहीं होती है, वो हम सिर्फ वेदांत जानते और कुछ जानते भी नहीं है। अच्छा, आपको हजारों बार कहा गया ना क्या कि आप शरीर नहीं है, है कि नहीं? कहा गया है कि नहीं? आप सब मानते हैं, मानते हैं कि आप शरीर नहीं है? इतनी बार क्यों कहा गया आपको कि आप शरीर नहीं है? अच्छा, मैं ये कहती हूं, आप ये अनुभव करने की कोशिश करो। अभी आंख बंद करना है तो आंख बंद करो। देखो, मन में कुछ बोलना नहीं, जो सुना हुआ है ना कुछ, उस इस समय जैसे कि आप बिल्कुल अज्ञानी है, ऐसे ढंग से बैठो, पहली बात तो। और इस समय ये अनुभव करने की कोशिश करो कि मैं शरीर हूं। ट्राई, देखो, मैं और शरीर ये दो अलग नहीं होने चाहिए, मैं एंड शरीर एक होना चाहिए। ग्रामर की दृष्टि से देखें तो क्या है कि प्रथम पुरुष जो आई और शरीर, यू नो, ये दोनों एक होना चाहिए। ओके, मैं शरीर हूं ये अनुभव करने की कोशिश करो। नहीं बोलना नहीं, प्लीज ट्राई, सिंसियरली ट्राई, डोंट स्पीक एनीथिंग, ट्राई, एक्चुअली ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी। डोंट, ये सुना हुआ ज्ञान बीच में आ गया, उसको छोड़ो, सुना हुआ ज्ञान सब छोड़ो। पहली बार जैसे कि आप कर रहे हैं ये करो, मैं शरीर हूं ये अनुभव करने की कोशिश करो, करो ट्राई, एक्चुअली मैं शरीर हूं, मैं और शरीर, मैं एक हूं, मैं शरीर हूं ये अनुभव करने की कोशिश करो। रियली मन से प्रयत्न करो। हाँ, सुनी हुई बात कोई बीच में मत आने दो, कोई बीच में सुनी हुई बात, वेदांत सब भूल जाओ, मैं शरीर हूँ ये अनुभव करने की कोशिश करो। आँख खुलेगा। आप में से कौन ये अनुभव कर पाया कि मैं शरीर हूँ? हर बार आप कोशिश करते होंगे कि मैं शरीर हूँ ये अनुभव करने की, आपको पता चलेगा कि मैं शरीर का अनुभव कर रही हूँ, है कि नहीं? ये अनुभव हुआ कि नहीं? देखो, आपको कहा जाता है आप शरीर नहीं है, लेकिन आपका अनुभव है कि आप शरीर नहीं है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। देखो, आपने अब तक जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर हूं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू अंडरस्टैंड? यू हैव नेवर एवर 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 एक्सपीरियंस दैट यू आर द बॉडी, यू हैव नेवर, आपने ये अनुभव ही नहीं किया है कि मैं शरीर हूं। ये अनुभव के बिना आपका पूरा व्यवहार चल रहा है शरीर के आधार पर, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी। कैन यू इमेजिन? इसी को माया कहते हैं।
कि आपने अनुभव नहीं किया है, फिर भी इसके आधार पर आप पूरा व्यवहार कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? यू हैव नॉट वंस. अगर एक बार भी आपने अनुभव किया एक्चुअली कि मैं शरीर हूं, तो वो सत्य बन जाता, फिर उसको कभी निषेध नहीं कर पाते. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस. ये सुनने की बात नहीं है, ये क्या है? एक बार आपने सुन लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, अब आप कोशिश करो अनुभव करने की मैं शरीर हूं. जब आप अनुभव करने की कोशिश कर, ये प्रयत्न जो कर रहे हैं अनुभव करने की, इसी को मनन कहते हैं. हम लोग क्या करते हैं? मनन के नाम से रटन करते हैं, सुना है उसका वापस रटन करते रहते हैं, तो वो तो काम थोड़ी बनता है, वो काम नहीं बनता है. इसलिए कहा कि पुस्तक को अलग रखो. और ये सुना हुआ है मनन के द्वारा, हमने जो एक्चुअली सुना है उसको बाद में वी विल बी कम टू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू. समझे ना? मनन के बाद में क्या होना चाहिए? जो हमने श्रवण किया वो उसका कन्फर्मेशन, मीनिंग श्रवण का कन्फर्मेशन मनन से मिलता है. हैव यू अंडरस्टूड? तब हमारी स्वीकृति होती है वो चीज़ की. नेत्र क्या होता है? वापस में एक बार मैं समझाऊं दृष्टा दृश्य विवेक, और क्या आप करेंगे फिर? बोलो. यू विल नॉट, वंस मोर यू विल नॉट. आप शरीर नहीं है, वेरी गुड, ये शरीर है, ये है, ये है, ये है, ये. और ये मन मैं नहीं हूं, मन के विचार में जानती हूं. अरे सिट डाउन, ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द माइंड, ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द माइंड, ट्राई टू एक्सपीरियंस. ये इसी को मनन कहते हैं. समझे कि नहीं? तो अगर एक घंटे आप श्रवण करते हैं तो 15 मिनट आप मनन करें. आई एम तो बहुत कम कहती हूँ, क्या करें? बोलो क्या? अब तो मैं प्रवचन जब करती हूँ ना, तो मैं लास्ट 15 मिनट्स आई से ओके फाइन, यू जस्ट वॉट एवर आई हैव सेड, टेक वन पॉइंट एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस इट. एनीथिंग, कोई भी एक चीज़ जो आपने सुनी है इस दिन में ना, प्लीज़ उसको एक को पकड़ो एंड उसका अनुभव करने की कोशिश करो. क्या? एंड कोई भी पुस्तक मत लाओ, तब कोई भाष्य मत लाओ, कुछ मत लाओ. क्या करो? क्या करो? उसको लेकर बैठो. सिट विद द थॉट. क्या? सिट विद द थॉट, सिट विद दिस. अखंड, ये शब्द एक पकड़ो. अकाल, एक शब्द पकड़ो. आदेश, एक शब्द पकड़ो. क्या पकड़ो? एक शब्द को पकड़ो या एक विचार को पकड़ो. मैंने एक आपको करवाया ना अभी, क्या करवाया? मनन करवाया. क्या करवाया? मनन करवाया. क्या मनन करवाया? आपको कहा गया कि आप शरीर नहीं है शरीर. अरे भाई, इतना कहने के बाद भी हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे को लगता है कि मैं. अरे लगता है, वो लगता ही है, एक्चुअल अनुभव नहीं होता है. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? कैन यू इमेजिन द टाइम व्हेन यू रियलाइज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी, एंड स्टिल इफ यू आस्क मी व्हाट इज योर नेम, आई विल से आई एम दिस. अरे आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. अनुभव के बिना आप पूरा आधार, यही माया है. अनुभव एक्चुअल नहीं है लेकिन उसके आधार पर पूरा व्यवहार चलता है. ये माया नहीं तो क्या है? हैव यू गॉट इट? कैन जस्ट इमेजिन दिस, यू हैव नेवर एक्सपीरियंस योर द बॉडी एंड स्टिल व्हाट आर यू सेइंग राइट नाउ? ऑन व्हाट बेसिस? डोंट, शास्त्र को मत छुओ भी तब तब. अरे बेसिस क्या है मेरा ये कहने का कि मैं शरीर हूं? इसका बेसिस ही नहीं है, और वो आपको अनुभव है, दूसरे की बात नहीं है. आपका निजी अनुभव है कि मैं शरीर नहीं हूं लेकिन पूरा मेरा व्यवहार इसके ऊपर चल रहा है. ये इससे बड़ी माया क्या है बताओ जी? कोई माया नाम की कोई कोई यहाँ वहाँ इतना कठिन बनाते हैं, पता नहीं माया क्या है, आवरण करती है, ये करती है. अरे क्या करती है? राइट नाउ इधर कर रही है वो माया अपना खेल. इज इट ट्रू और नॉट? आई एम नॉट द बॉडी एंड येट आई एम सेइंग व्हाट? आई एम द बॉडी. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट एंड येट. मैं बताऊं, एक बार भी अगर अनुभव हो गया कि मैं शरीर हूं, वो सत्य बन जाएगा. लेकिन आज के दिन तक एक बार, हर जन्म में, कोई भी जन्म में, कीड़े के शरीर में या मनुष्य के या देवता के शरीर में, कभी नहीं अनुभव किया कि मैं शरीर हूं. क्या बात है कि नहीं? टेरिफिक है कि नहीं बात? बताओ. एंड किसी और की बात नहीं, अपनी बात कर रहे हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? कोई दूसरे की बात नहीं कर. मैंने कभी अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर हूं. वाह,
टेरिफ, मैंने कहा ना विमलानंद की बात मत करो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. नाउ ऐसे जब होगा ना तो इट विल नॉट बिकम, इट विल बिकम आहा. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट? एक है और एक है आहा. तो जीवन में क्या है, जितनी आहा मोमेंट्स आएगी ना मजा आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये भी अच्छी मोमेंट्स है, लेकिन ये मोमेंट तो ठीक है, आ मोमेंट्स आनी चाहिए. वेदांत इज फॉर आह, नॉट फॉर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बहुत सारे बोल सकते हैं, बट नाउ आई थॉट आई विल टॉक फॉर 5 मिनट्स, बट एनी वे आप लोग इतने रिसेप्टिव है इसलिए कुछ हो गया. अगर आपको प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आप. हाँ जी, भाभी के साथ काफ़ी बात होती रहती है त्रिवेदी भाभी के साथ. जैसे अभी आपने बोला कि शरीर और आत्मा, लेकिन जब हम दिन भर काम करते हैं तो हम उस टाइम पे इतना कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं. जैसे अभी हमने आँख बंद की तो हाँ हम फील करते हैं उसको कि हम अलग अलग हैं, और मैं ही खुद कह रही हूँ कि मैं मतलब शरीर हूँ, तो वो फील कर पा रही थी मैं. लेकिन जब हम दिन भर काम करते होते हैं या हम ऑफिस में होते हैं तो ये डिफ्रेंसिएशन हमको नहीं समझ में आता है, और हम जस्ट रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. तो वो कैसे हम उससे ओवरकम हो सकते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. वो जब आप दिन भर में काम करती हैं और ऑफिस वगैरह जाते हैं, तब आप ये ब्रह्म भाव नहीं रख पाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा ये रहेगा. अभी आप निमित्त भाव से काम करो. अभी कर्मयोग की भावना है, उस भावना लेकर कि मैं एक साधिका हूँ. साधिका तो बहुत बड़ा शब्द है, जाने दो. मैं एक हाँ एक देख संस्था में आप काम करते हैं ना, तो संस्था की एक अंग हूँ. ठीक है, है ना, ऐसे कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ टोटल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फैमिली, ऐसे. तो ये भाव लेकर, थोड़ा अपने से बड़ा भाव लेकर काम करो. जैसे कोई मेरे मतलब कलीग हैं और उन्होंने कुछ गलती की, तो एज ए पर्सन, एज अ पोस्ट होल्डर, मैं उन्हें कुछ कह देती हूँ, लेकिन मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है कि ये उनकी लिमिटेशंस है. दे कैन नॉट वर्क एज पर माई एक्सपेक्टेशन. लेकिन उस टाइम पे हम ये नहीं सोच पाते जब हम उनको रिएक्ट करते हैं. तो वो भी एक मतलब एक अच्छा वो समय है ना रिएक्शन का और रिग्रेट का, थोड़ा कम करने चाहिए. जाएगा ना एकदम रिएक्शन करने के बाद में, कितने देर के बाद में लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, तुरंत लगता है कि बाद में, एक घंटे के बाद में ना, तो एक घंटे से फिर आधा घंटा हो जाएगा, फिर आधा घंटे से 15 मिनट हो जाएगी, फिर 15 मिनट से बोलते समय ही लगेगा कि अरे नहीं बोलना चाहिए, फिर एक दिन है छोड़ो ना. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस. थैंक यू माता जी. जो आपने बोला बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि जो बुद्धि, मैं मन नहीं हूँ, वो कौन बोलता है? बुद्धि बोलती है ना, बुद्धि बोलती है. मैं नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वो बुद्धि बोलती है. तो बुद्धि को अपने आप का निषेध, बुद्धि से भी सूक्ष्म कहे तो अहंकार को अपने आप का निषेध तो कर ही नहीं पाएगा. अहंकार अपने आप का निषेध कभी नहीं कर पाएगा. अहंकार एट द मोस्ट आप खुद का मीनिंग अभाव नहीं महसूस कर सकता है, नहीं, लेकिन वो खुद का निषेध कर सकता है. निषेध यानी बाधित कर सकता है अपने आप को. निषेध भी नहीं करे, बाधित रूप से अपने आप को देख सकता है और कुछ नहीं. जैसे कि कोई एक्टर होता है, तो जब एक्टिंग करता है तब वो बिल्कुल वो भाव में चला जाता है कभी, लेकिन ये एक्टिंग करते करते वो अपने आप को, वो भाव को बाधित कर सकता है कि मैं वो रोल नहीं हूँ और मैं ये हूँ, तो ये रह सकता है उसमें, है ना. वैसे ही ये जो अहंकार है वो अपने आप का निषेध नहीं देख पाता है,
संभव ही नहीं, कौन देखेगा? आत्मा थोड़ा ही देखता है, आत्मा देखता नहीं, आत्मा तो साक्षी है सबका, वो कोई वो ट्रांजैक्शन में आता ही नहीं, अव्यवहार्य है। तो आत्मा तो कोई न बोलता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो सब आत्मा थोड़ी बोलता है, वो तो अहंकार ही बोलता है ना। तो अहंकार अपना निषेध नहीं कर पाता है, अहंकार अपने को बाधित कर सकता है, इतना कर सकता है, करेगा, क्योंकि समझ से करेगा और कुछ नहीं, उसका कोई और उपाय नहीं, समझ से करेगा। तो इसलिए हमको जितना ज़्यादा हमारा मनन होगा ना, इतना सूक्ष्म हमारा मन बनते जाएगा, उतना हम निकट अपने अहंकार से आएंगे। आत्मा से तो हम हर हमेशा निकट है, वो आत्मा से दूरी कभी होती ही नहीं है, आत्मा ही हम है, अब क्या करें, आत्मा और हम दूरी करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको निकट आत्मा से नहीं आना है, क्योंकि हम ही है, आत्मा ही है, और क्या है। तो हमको निकट किससे आना है? अहंकार से आना है। जितना हम अहंकार से निकट आएंगे, यानी अहंकार से निकट भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये अहंकार से परिचित हो जाते हैं ना, जितना हम ये, उतना हम ब्रह्म ज्ञान से निकट आ जाएंगे। ध्यान तो हमारा ज्ञान सुदृढ़ करने के लिए होता है, इसलिए मनन की बहुत आवश्यकता होती है। जितना मनन एक प्रकार का ध्यान ही है, जो ध्यान में होता है वो मनन ही होता है एक ढंग से। जैसे हमने अब कराया कि मैं शरीर हूँ, ये एक सिंपल एक्सरसाइज थी कि मैं शरीर हूँ, वो भाव को आपने कोशिश की, तो ये कोशिश जो है ना, इसी को आपको कॉन्टेम्प्लेशन कहे, मनन कहे, और यही जब दृढ़ होते जाता है तो वो निधिध्यासन के रूप से परिणित होता है। अभी क्या किया ना, अभी आपने जो किया वही है ना कि मैं शरीर हूँ, आपने अनुभव ही नहीं किया है ये, तो आपने क्या अनुभव किया? हाँ हाँ, नहीं तो आप किसके पास गए? आप अहंकार के पास गए। और जब आपने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप किसके पास में थे? आत्मा के पास में नहीं थे, आप अहंकार के पास में थे। तो जितने वहाँ आप जा पाएंगे, उसको पकड़ेंगे, ये भाव को पकड़ेंगे, उतना आप निकट आप आत्म भाव से आ सकते हैं। देखो ये एक बार आने की बात है, ये सब है ना, तो पहले एक बार तो जाओ। नहीं कभी एक बार, हम एक बार ज्ञान हो गया, ज्ञान रहता नहीं है, ऑल दैट, वो एक बात है ना, वो अब क्योंकि देखिए हम बताएं आपको, मनन और निधिध्यासन का फर्क जो होता है ना, वो एक निष्ठा का ही फर्क है और कुछ नहीं। अब हम कहेंगे तो किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन अब मनीषा पंचकम की मैं बात हमेशा कहती हूँ कि जब भगवान आदि शंकराचार्य जी जा रहे थे घाट पर, और उन्होंने चांडाल को देखा, तो जो भावुक हो गए, नहीं 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 ब्रह्मनिष्ठ है, उनको कभी ये होता नहीं है, लेकिन उनकी ब्रह्मनिष्ठता थोड़ी बिगड़ती है एक क्षण में, हो गया कि ये चांडल है, तो उसके ब्रह्मनिष्ठता थोड़ी, वो तो महान थे, वो साक्षात थे। तो मैं तो कभी ऐसे नहीं सोचती हूँ कि उनकी ब्रह्मनिष्ठा बिगड़ती है, एक बार एक विचार आ गया कि मैं ये चांडल है और मैं ब्राह्मण हूँ। उनके संस्कार कितने सुदृढ़ थे वो ब्राह्मण के, कितने सुदृढ़ थे कि जैसे ही उन्होंने देखा चांडाल को, इमीजिएटली उनका ब्राह्मणत्व आ गया, तभी तो वो चांडाल देखेंगे ना। देखो जब तक मैं स्त्री हूँ इस प्रकार से मैं नहीं देखती, मैं ये पुरुष है ये देख ही नहीं पाऊंगी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूँ, ये भाव देखते फिर पुरुष है ये मैं रिकग्नाइज करूंगी। अगर मैं स्त्री हूँ ये देखूँ नहीं, तो मैं पुरुष हूँ देख ही नहीं पाती हूँ, वैसे मैं ब्राह्मण हूँ ये नहीं देख सकती हूँ, तो ये चांडाल है मैं देख ही नहीं पाऊंगी, समझे कि नहीं। तो ये बोला उन्होंने चांडाल, ये शब्द बोला चांडाल, वही दिखाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ ये चांडाल है, हो गया सीधा ही हो गया ये। तो ये इतने सुदृढ़ होते हैं भाव। लेकिन भगवान शंकराचार्य की बात थी कि जैसे ही उन्होंने ये देखा और उसने कहा अन्नमयान, ये जैसे ही बोला अन्नमयात अन्नमयम चैतन्यम एव चैतन्या, बोलने इमीजिएटली उन्होंने कहा अरे मैं कहाँ ब्राह्मण भाव में आ गया, ये तो भगवान शिव ही होंगे, उन्होंने तो गुरु के रूप से उनको देख लिया वगैरह वगैरह। ये बात मनीषा पंचकम की आती है। मेरा कहने का भाव क्या है कि ये जब हम कहते हैं कि एक बार ये ज्ञान हो गया वो अज्ञान नहीं रहता है वगैरह, अरे भाई वो ज्ञान को जब तक सुदृढ़ नहीं होता है
तो अज्ञानी जैसे ही लगता है, अज्ञान की जैसे ही महसूस होता है, क्योंकि हम जैसे कि 24 घंटे हैं तो उसमें से 23 घंटे और 55 मिनट हम किस भाव में रहेंगे, जी भाव में रहेंगे, तो फिर वो 5 मिनट का क्या कोई मतलब ही नहीं रहता है, समझे ना। तो फिर अज्ञान जैसा ही महसूस होगा और कुछ नहीं, वो दुख है सुख है, मान अपमान है, राग द्वेष है, उसी में तो रहेंगे और क्या रहेंगे। फिर कहेंगे कि ये ज्ञान हो गया, बट कोई दिखता तो नहीं है, कोई जीवन में कोई उसका महसूस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं क्या कहती हूँ, आप कभी ऐसे नहीं समझना कि आपको समझ में नहीं आया है वेदांत। पहली बात तो आपका दृढ़ हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना। लेकिन अब बात आती है स्वीकार करना, है ना। वो मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोल रही हूँ, वो टेक्निकल टर्म्स नहीं बोल रही हूँ, बट स्वीकार करना। नहीं तो हर बार मैं बोलूँ ना मैं ब्रह्म हूँ तो आपको कुछ होगा अंदर। मैं आपको कहूँ कि आप अच्छे साधक हैं तो आपको अंदर कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि मैं जीव हूँ ये आपका दृढ़ है, तभी मैं कहती हूँ कि आप अच्छे साधक हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूँ आप बुद्धू हैं तो अंदर तुरंत कुछ होगा, कुछ बाहर देखना नहीं पड़ेगा आपको, तुरंत कुछ होगा अंदर, तुरंत एक सेकंड में भी नहीं। फिर कहेंगे नहीं 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 उन्होंने बोला तो ऐसे नहीं बोलना, वो तो बाद की बात है, पहले बार तो क्या होगा, होगा कि नहीं अंदर कुछ होगा कि नहीं। मैं कहूँ आप कितने सुंदर हैं, तुरंत अंदर कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम किस भाव में बैठे हैं, जीव भाव में बैठे हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ आप ब्रह्म हैं तो तुरंत कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं होता है क्यों? क्योंकि स्वीकार नहीं किया है, सीधी बात है। जीव भाव स्वीकार किया इसलिए कुछ होता है, ब्रह्म भाव स्वीकार नहीं किया इसलिए कुछ नहीं होता है, सीधी बात है, समझे। नहीं तो 50वीं बार भी कहे ना कि मैं ब्रह्म हूं तो क्या होगा? ब्रह्म बोला तो कहेंगे यस आई, है ना। अभी हम कहेंगे कि कुसुम बहन, तो कुसुम बहन कहें हाँ आई, बोलेंगे कि नहीं? और कुसुम बहन नहीं है तो क्या कहें? नॉट आई, पता नहीं मैं कौन है, यू अंडरस्टैंड। अब ब्रह्म बोलते हैं तो क्या है, होता है आई होता है नहीं होता है? नॉट आई होता है कि नहीं? बात तो ये है, ये बात है। तो समझ में आया है उसमें कोई दो राय नहीं है, स्वीकृति हुई है वो आप जाने हैं, ठीक है। माता जी, हाँ जी बोलिए। देखो माता जी बोला तुरंत हाई, हाँ ना, दैट्स इट। अब उन्होंने ब्रह्म कहा होता तो मैं कहते कौन कौन बोले माता जी, हाँ यू गेट इट, हाँ बोलिए। माता जी, जीवन को मैं देखती हूँ दृष्टा भाव से कि हमारा ये जीवन चल रहा है, हम दृष्टि रख रहे हैं अपने जीवन के ऊपर, खुद के जीवन के ऊपर। तो जब हम दृष्टि रखते हैं अपने जीवन के ऊपर तो सब चीज़ें देखने में आती हैं कि आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई करी, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, आप घर में रोज़ खाना बना रहे हैं, आप पेड़ पौधों के साथ हैं, आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपने पेंटिंग भी कर ली, एक पेंटिंग ख़त्म हुई फिर आपने दिमाग में दूसरी पेंटिंग का कर लिया, या एक पौधा ख़त्म हुआ या एक फसल ख़त्म हुई, कुछ कुछ ऐसा चलता रहा। जब हम दृष्टा भाव से देखते हैं सब चीज़ें और अपने को ब्रह्म भी मानते हैं, ब्रह्म मत मानो, ब्रह्म, हाँ 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 बोलिए, हाँ हाँ। तो हर सुबह एक प्रश्न मन में उठता है कि हम क्यों असंतुष्ट रहते हैं, मतलब जब हमारे पास सब कुछ है हम इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं। कौन बोल रहा है कि सब कुछ है? ब्रह्म थोड़ा ही बोल रहा है, जीव बोल रहा है ना, जीव बोल रहा है। तो ये एक लड़ाई चलती रहती है जीव की, आत्मा की, एक मतलब मन में प्रश्न रोज सुबह उठता है कि सब कुछ आप कर तो रहे हैं लेकिन कहीं कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए, या हम इतने उस चीज को, जो चीज हम चाहते हैं वो हमने कर भी लिया लेकिन पूर्णता नहीं आती है,
कुछ ना कुछ उससे पहले ही नया कुछ निकल कर आ जाता है, तो मन में असंतुष्टता क्यों है जब आप दृष्टा भाव से देख रहे हैं? मतलब आपको मालूम है दृष्टा भाव से नहीं देख रहे हैं, अच्छा ठीक है वो बात तो अलग है, लेकिन जीव है ना कभी पूरा नहीं बनेगा, वो तो फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो है ही सीमित, है ना। आप हर बार आपकी जो पहचान अब तक थी ना, वो जीव से ही पहचान दी। आप कहते हैं दृष्टा भाव से, तो दृष्टा तो परिपूर्ण है ही है, उसको परिपूर्ण करने की जरूर नहीं है। तो जो अपूर्ण है वो कौन है? जीव ही है, है ना। तो हम कह रहे हैं कि मैं दृष्टा हूँ, तो दृष्टा को पूर्ण होने की जरूर नहीं है, और जीव कभी पूर्ण हो सकता नहीं है। तो हमको आइधर अपने आप को जीव रूप से देखना है, और हमको दृष्टा रूप से देखना है। अगर हम दृष्टा रूप से देखें तो दृष्टा तो परिपूर्ण है, उसमें कोई प्रकार की कहां की भी कमी नहीं है, समझे ना। उसको पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरी नहीं है उसको पूर्ण करने के लिए। और जीव को जितना भी करो वो पूर्ण होने वाला नहीं है, समझे ना। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी। हाँ, तो आपको क्या करना है, अभी जीव भाव में आप हैं तो ठीक ही है, उसमें कोई, देखिए मुझे वो भगवान शंकराचार्य जी का ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है ना, कभी हम सुनते हैं ना वेदांत तो हमको लगता है कि मैं दृष्टा हूँ, एक्चुअली हम नहीं, हम दृष्टा रूप से नहीं बोल रहे हैं, हम जीव रूप से ही बोल रहे हैं। इसलिए ये स्टेज को स्वीकार करना अच्छा है। क्या स्टेज कह रहे हैं, उन्होंने कहा देहोहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहे च जीवे विदुषस्त्वहम् धी विवेक विज्ञानवतो महात्मनः ब्रह्माहमित्ये ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। वो तीन स्टेज है वो हम लोग माने। पहली स्टेज क्या है, जो बिल्कुल अज्ञानी है वो अपने आप को मात्र जीव मान के खाओ पियो मौज करो वो मानता है, वो आप उस स्टेज में नहीं है वो मैंने जान लिया। दूसरा जो स्टेज है देहे च जीवे विदुषस्त्वहम् धी, अहम धी किस में है कि देह और जीव दोनों में, जो आपने पूर्ण वर्णन किया आपका जीवन का वो क्या है, किस भाव में है, देहे च जीवे यानी सिर्फ देह नहीं लेकिन मैं जीव हूँ, ये भाव से आपने किया, बहुत ही अच्छी स्टेज है, उसको कम मत मानो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीधे ही देहोम हम से ब्रह्मोम हम नहीं हो पाएगा, नहीं होता है, कभी नहीं होगा, इधर एब्सोल्युटली वो नहीं होता है, कुछ बात करेंगे कुछ नहीं होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, जीवो हम ये स्टेज में जाना पड़ेगा। ये जीवो हम स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुरंत आपका पूरा जीवन खुल जाता है। देहो हम से जीवो हम का बहुत अलग, देखो आप कर्म के बारे में सोचेंगे, अच्छा कर्म करना चाहिए बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, मैं ईश्वर का एक अंग हूँ, पूरा आपका विशाल दृष्टि बन जाती है जीवो हमसे, समझे। क्या है पहले, क्या है देहो हमसे बिल्कुल संकुचित जीवन होता है, फिर उसके बाद में जीवो हम बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, कि आप बिल्कुल खुल जाते हैं, एकदम ब्रह्मा अहम नहीं आएगा। आप जैसे कि आपने कहा कि मैं दृष्टा हूँ, एक्चुअली आप दृष्टा है वो नहीं है, जीव के रूप से ही अपने आप को देख रहे हैं, आपकी बुद्धि आपका जो हलन चलन है उसको देखते रहती है, मीनिंग आप कॉन्शियस है अपने कर्म के। यही हो रहा है, मैं दृष्टा हूँ यानी ब्रह्मा हूँ ये नहीं हो रहा है ना। तो मैं जीव हूँ, आप इस स्टेज में हैं कि मैं जीव हूँ, तो आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं, आप साधन भजन कर सकते हैं, आप अपने आप को और विकसित कर सकते हैं, ये सब आपकी, तो करो, इट इज इम्पोर्टेंट, समझे ना। तो उस स्टेज में रहकर बहुत अच्छा मन सूक्ष्म कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तप कर सकते, जो भी करना है विकास, भौतिक विकास भी कर सकते हैं, लेकिन जीव भाव में रहकर, समझे ना। और ये करते करते जब मन सूक्ष्म ये होते जाता है, तब ब्रह्म भाव का अपने आप से वहाँ तक आप चले जाएंगे, या भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, अपने आप से वहाँ आप प्रगति करने लगते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ग्रेजुअली आप में फिर नीरसता सी ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ छोड़ना चाहते हैं कि हो गया अब नहीं करना ये सब चीज़ें,
जब समाज में रह रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नीरस से हो गए, कि आपके अंदर कुछ रस नहीं रहा, मतलब आप क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा भी भाव आ जाता है। देखिए एक बहुत बढ़िया बात हुई, एक लड़की आई मेरे पास में, छोटी, आपसे भी बहुत छोटी, वो तो कॉलेज में जा रही थी। वो आकर उसने मुझे कहा, मैं अहमदाबाद में थी तब उसने मुझे आकर कहा कि आपने मेरा जीवन बिगाड़ दिया। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा क्या कर दिया मैंने उसको। बोले मैं पहले बहुत पार्टी वार्टी में जाती थी, बड़ा मज़ा आता था, मैं पार्टी में जाती हूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आप ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बात करते हैं, वो ब्रह्मानंद तो नहीं आ रहा है, वो पार्टी आनंद भी नहीं रहा, मैं तो बीच में ये कि मेरा जीवन बिगड़ गया। उसने वो मेरे से बहुत निकट थी इसलिए बिल्कुल बिल्कुल वो उसको अधिकार थी, गुस्सा आता तो मेरे पर गुस्सा भी करती थी, लेकिन वो ऐसे इस प्रकार का प्रेम था उसका, तो उसने आपने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, न पार्टी आनंद न ब्रह्मानंद, मैं बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है ये, कठिन नहीं है, ऐसे वापस पार्टी में जाने लगो, पहले 2-5 दिन ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के बाद में पार्टी में जाते 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 वापस आनंद आने लगेगा, क्योंकि अब ब्रह्म ज्ञान कहाँ पहुँचे हैं, तो वो तो संसार तो बैठा ही है ना अपने को घेरने के लिए, तो आ जाएगा वापस, आपको मज़ा आने लगेगी, तो आप फिक्र मत करो, आप जाओ वहाँ। You saying, but I don't want that. I said, अभी दो राय नहीं है, अगर you don't want that, there is no other solution, आपको यहाँ ही जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये मेरे साथ नहीं, बहुत और भी, जैसे बच्चों का भी देखा जाए तो वो नहीं चाहते, जो कॉलेज में जा रहे होते हैं बच्चे की पार्टीज हो रही है, सब जा रहे आ रहे, उनको देखिए हम लोग को लगता है कि हम बड़े वैरागी हो गए, लेकिन कुछ नहीं, हमको है ना और बहुत सारे सूक्ष्म आनंद अच्छे लगते हैं, सिर्फ वो पार्टी अच्छी नहीं लगती तो हमको लगता है बड़ा वैरागी है, कुछ ऐसे नहीं होता है। दूसरी काफ़ी ऐसे गॉसिप वॉसिप करते ये करते उसमें बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे हमको आपको बहुत वैरागी नहीं मानना चाहिए। देखो मैं हमेशा कहती हूँ एक साधक, अगर आप अपने आपकी परिचय साधक के रूप से कहते हैं, दूसरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या करेंगे, मैं तो कहती हूँ अगर आप अपना परिचय साधक के रूप से जानते हैं तो दूसरे को फूल करे कि ना करे इट डजंट मैटर एट ऑल, डोंट फूल योर सेल्फ। क्या डोंट फूल योर सेल्फ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। साधक हो तो दूसरे को जो कहे वो, उनको क्या लगे क्या नहीं लगे, अपने बारे में क्या सोचे, इज इमटीरियल, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी, एक विचार ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप अपने आप को बनाए। डोंट फूल योर सेल्फ, हैव यू अंडरस्टूड, दैट मीन्स डोंट डजंट मीन कि आई एम गिविंग यू परमिशन टू फूल द वर्ल्ड, हाँ, नहीं तो कहेंगे उन्होंने कहा कि जगत को बनाओ, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर आप साधक हैं तो आप अपने विचार पर गौर करो, आपको शायद पार्टी में आनंद नहीं होगा लेकिन कितने सारे भोग में अभी भी आनंद आता है कि नहीं। तो वो तो बहुत स्थूल मन के लोग हैं, उनको नहीं आनंद आता, तो हमको उसके साथ क्यों कंपेयर हम करते हैं, जो बड़े बड़े ही स्थूल मन के हो उनको जो बड़े स्थूल प्रकार की पार्टियों में आनंद आता है और हमको नहीं आता है, और हम कहते हैं देखो उनको आता है हमको नहीं आता है, तो हमको अब लगता है कि हम कुछ बढ़ गए उनसे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू आर, इफ़ यू आर अ साधक डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ, कंपेयर योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट विथ समवन हु इज मोर अचीव देन यू आर। मैंने देखा है कितने लोग हैं ना, मैं कहती हूँ मैं चाय नहीं पीती हूँ, अरे क्या तप, अरे क्या चाय नहीं पीते, वो कोई तप है क्या, काहे प्रकार का तप है। तो मैं क्या अपने आप को इस कंपेयर करूं कि जो चाय पीता है उसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर करूं कि वो चाय पीता है और मैं तो नहीं पीती हूं, अरे वाह क्या तप है, अरे ये कोई बात समझे कि नहीं, बोलिए ना भाई। वो सब कोई कहते ना ओ आपने नर्मदा यात्रा की, अरे गाड़ी में गई ऐसे ऐश आराम में गई, ये ऐसे ऐसे रहे खाई पी, ये क्या क्या कुछ नहीं किया। You understand? Now, whom am I supposed to compare myself with? Are you understanding? देखो भले लोग कुछ कहे लेकिन हमको अपने आप को देखना है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे मत मन नीरस हो गए, कुछ नहीं नीरस, सब रस भरा हुआ है जगत में, कुछ नहीं। वो स्थूल की ढकाढक ढकाढक पार्टी में मन नहीं आता, वो तो कोई भी बूढ़े हो जाए ना उसको नहीं आता है, सीधी बात है। मैं सच बताऊँ ना, आपकी उम्र चली गई वो ढकाढक वाली, और कुछ नहीं है।
देखो मैं एक एकदम सिंपल प्रश्न आपको पूछूं, एकदम सिंपल, आपको पता, आपको जीवन में शांति चाहिए कि सुख चाहिए? देखो दिस इटसेल्फ शोज यू हैव बिकम ओल्ड, और कुछ नहीं है फर्क, डोंट थिंक दैट इफ दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, अभी शाम के प्रवचन में अगर मैं कहूं आपको सुख चाहिए कि शांति चाहिए, सब बोलेंगे सुख. मीन्स वॉट कि वी हमको शांति बिकॉज उम्र हो गई है और कुछ नहीं है, हमको शांति वाला सुख चाहिए, वो धकाधक वाला सुख नहीं चाहिए और कुछ नहीं है हमको, वो ही वी वॉन्ट लेस थ्रिल्स, दैट्स ऑल. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसलिए जब भी कोई कहता ना हमको अभी पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो तो अच्छा, एक उम्र थी ना सब लोग को कि जब आपको पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे, है कि नहीं? अब आपको अच्छे नहीं लगते तो कम को वैराग्य, अरे वैराग्य थोड़ी हुआ है, कितने 24 आवर्स फोन से तो लटके हुए हैं, वो इंस्टाग्राम कच्चा कुछ, एंड देन हमको लगता है, देखो वो धार्मिक अभी हम सुनते हैं, वो पता नहीं क्या ना क्या आता है, हाँ वो वहां गए थे, वो बहुत ये आवर एंटरटेनमेंट विषय ही बदला है, एंटरटेनमेंट की एटीट्यूड बदली नहीं है. वी आर स्टिल वांटिंग एंटरटेनमेंट 24 आवर्स, इज इट अ फैक्ट और नॉट? खेल, वो छोटे बच्चे हैं उसको वो खेलता है, वो थोड़ा बड़ा होकर वो टॉय होता है, टॉय से टोयोटा जाता है और कोई फर्क नहीं होता है. बट दैट एटीट्यूड ऑफ वांटिंग आवर एंटरटेनमेंट कि किसी और पर निर्भर है, हम सुख अकेले बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो तुरंत कुछ लेते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ ये करते हैं, है कि नहीं? 5 मिनट बैठने को बोले गए तो क्या होगा? तुरंत तभी याद आएगा, अरे ये बाकी ये करना है, बैठे. सो ऑलवेज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ वॉट. मैं जैसे कि नर्मदा यात्रा बड़ी हो, मुझे अंदर कुछ नहीं लगता है, बिकॉज वाई आई नो ना मैंने कैसे की है नर्मदा यात्रा, ऐश आराम से की है, वो कोई लोग चलते जाते हैं, ये करते जाते हैं, ये करें, और हमने तो बस बड़ा मजा आनंद में कर दिया, बस वो तप दाम की चीज ही नहीं थी तो जो तप कहते हैं, कभी ऊपर से थोड़ा गर्म हो गया और कुछ नहीं, वो थोड़ा. हैव यू अंडरस्टूड? सो प्लीज डोंट कंपेयर व्हेन यू वांट टू, इफ यू आर अ साधक है तभी ये बात आती है, दूसरी बार तो ठीक ही है, बट साधक को अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, अपने बस, दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा जी, बहुत धन्यवाद आप सबको, आप आए और 3-4 साल बाद में ऐसे बैठ के, एक बार कैंप ली थी बाकी बाहर ऐसे जाकर तो सत्संग करने का मौका मिला, इससे हमारा मन सुधरता है और कुछ नहीं होता है. सबको धन्यवाद, स्वामी जी आपको धन्यवाद. जो वेदांत के थोड़े से मैच्योर्ड होंगे वो समझ में आया होगा वो क्या कहना चाह रही हैं, और ये साधक जगत की भूल है, ये भी वेदांत में सिद्धांत है कि सिर्फ श्रवण ही मुक्ति दिला सकता है. जैसे परीक्षित 7 दिन में मुक्ति मिल गई, 3 क्षण में भी मुक्ति मिलती है, बट ये भी कहा गया है कि आत्मा वारे वा दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य. तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि हम लोग सुन सुन के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस होनी चाहिए द सेकंड प्रोसेस दैट इज द मनन, और इसी के कारण वो जो ज्ञान है, वो जो ब्रह्म है, वो मैं हूं ये नहीं पता है, आगे के श्लोक एंड फिलॉसफी पता है. और मुझे बहुत सरल बात इस पे याद आती है जो हमारे स्वामी जी बोलते थे, सभी साधु संतों को भागवत सुनाई गई और प्रेत को भी भागवत सुनाई गई थी, धुंधुकारी को, धुंधुकारी मुक्त हो गया प्रेत, और साधु संत वही बैठे रह गए, और विमान आया तो विमान में सिर्फ धुंधुकारी को चढ़ने की आज्ञा दी गई क्योंकि वो मुक्त हो गया था, साधुओं ने हंगामा मचा दिया, हम साधु होके मुक्त नहीं हुए, ये प्रेत होके मुक्त हो गया. वहां पे एक पंक्ति बोली है वेद व्यास ने,
श्रवणम तु कृतई ही सर्वई ही मननम तु न कृतम। तुमने सुना तो बहुत सारा पर मनन नहीं किया। मनन एक्चुअली में स्ट्रगल का टाइम है स्वयं से। जैसे उन्होंने बोला मैं देह हूं तो आप सोचने लगे ना, इसे विरोधी पक्षों को उठाकर एकांत में संघर्ष करना और उसमें से जो मक्खन निकलेगा ना आपको, तो वो जो थोड़े समय का समय होगा, वो जो अमृत निकलेगा, आप पुस्तक किनारे रख दीजिए, वो आपके मस्तिष्क में रहेगा, वो आपका अनुभव होगा। अभी जो है वो सब वक्ताकार और आचार्य का है, इसीलिए वाक वैखरी शब्द झरी भोगतये न तो मुक्तये। इतना वेदांत हो रहा है इसके बावजूद भी हरिद्वार ऋषिकेश तो गढ़ है, बट सबसे ज्यादा झगड़े वही कॉन्फ्लिक्ट आपस में। मनन की ओर द सेकंड स्टेप है जो श्रवण के बाद एकांत में बैठकर उस विरोधी पक्ष को उठाया जाए और स्वयं से बातचीत की जाए, फिर वो जो अमृत आएगा ना वो आपके लिए जीवन के लिए काम में आएगा। नौ द दूसरी बात बहुत अच्छी क्वेश्चन आंसर सेशन में आई, हम किस चीज के अधिकारी हैं वो समझना चाहिए। जैसे आप लोग अभी चर्चा कर, अम्मा ने एक अच्छा जवाब दिया, जब आपने बोला हम कंपनी में काम करें, इसका मतलब हमें इस समय कर्मयोग की साधना की जरूरत है। अपने विचारों को, अपने कर्म को, अपने इंटेंशन को पहले क्या किया जाए, सुधारा जाए। और सबसे आखिरी बात है, अगर एक भी साधना आप अच्छी कर रही हो ना, तो वो दूसरे साधना में आपको लेके छोड़ देगी, करना नहीं पड़ेगा। एक ले जाके दूसरे की गोद में बैठा लेगी, दूसरी तीसरे की, और आप पहुंच जाएंगे। बट कोई एक भी चीज़ हमने अच्छे से पकड़ी हो, ये वेदांत जो सुनते हैं उनके लिए स्पेशल ये चीज़ें हैं, हमको एकांत में बैठकर मनन जरूर करना चाहिए। और आप सुनने आए और स्वामी जी ने संक्षेप में जो हम वेदांत साधकों की कमजोरी है, वीकनेस, उस पर ध्यान दिलाया। मैं फिर से उनके प्रति कृतज्ञता एंड धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि कल की मॉर्निंग क्लास जाना है।